Hello everyone, welcome to my channel Logic Part आज के इस वीडियो में हम करेंगे नई नियुक्तियां जो 2020 में हुई हैं उनके टॉप 25 फाइव एम सी क्यू क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे तो जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में ही तो जितने नए अपॉइंटमेंट होते हैं वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए मैं आपके लिए वीडियो अलग से बना रही हूँ तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे देखिए मैं मेरे जो चैनल है उस पर आपको करंट अफेयर्स की प्ले भी मिल जाएगी बाकी अगर अदर सब्जेक्ट्स आपको लाइक जॉग्राफी पॉलिटी इस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने तो आप क्या करें मेरे चैनल को सर्च करें लॉजिक पाठशाला और आप प्ले में जाए प्ले में आप जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट वहां पर आपको बनी हुई मिलेगी आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजें देख सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एम तो फर्स्ट हम रा एमसीक्यू देखिए क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है तो ये बनी है नूपुल कुलश्रेष्ठ ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है न्यू दिल्ली में इसका हेड है और महा का नाम है के नटराजन तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हुई और पहली महिला डी कौन बनी है न्यूपुर कुलश्रेष्ठ याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो हाल ही में अगर किसी देश के राष्ट्रपति या पीएम बने हैं कोई तो वो जरूर ध्यान रखें तो ये बनी है अफगानिस्तान के ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी यहाँ की के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में कौन बनी है अशरफ गनी बनी है आइए देखती हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन बनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नए मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन बनी है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विमल जुलका जो है वो हाल ही में अभी मुख्य सूचना आयुक्त तो बनी है अगर हम बात करें तो विमल जुल्का जो है वो इन्होंने किन की जगह ली है तो सुधीर भार्गव की जगह इन्हें अपॉइंट किया गया है सूचना आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को आर के तहत इसका गठन किया गया था आर का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना आयोग का गठन किया गया था और इसकी मुख्य सूचना आयुक्त तो बनी है विमल जुलका जिन्होंने सुधीर भार्गव की जगह ली है फोर्थ क्वेश्चन है हाल ही में तुर्की में भारत के अगले राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है देखिए एक तो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं और एक उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन नियुक्त किए जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जहाँ पर कभी ना कभी अंग्रेजों ने राज किया हो जिन देशों पे अंग्रेज ने राज किया हो उन देशों में उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं और बाकी बचे देशों पे राजदूत यानी अम्बेसडर नियुक्त होते हैं तो ये दोनों में डिफरेंस है अब कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट संजय कुमार पांडा को हाल ही में तुर्की का बनाया गया है राजदूत संजय कुमार पांडा जो है ये नाइनटीन बैच की आई ऑफिसर हैं अब तुर्की की बात हुई तो तुर्की के कैपिटल है अंकारा और तुर्की में जो करेंसी चलती है वो टर्की चलती है लीरा ठीक है टर्की लीरा जो है वो यहाँ की करेंसी है इंपॉर्टेंट ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं सो वीडियो पूरा देखें फिफ्थ क्वेश्चन है वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत फिर से देखिए राजदूत यानी एंबेसिडर किसे नियुक्त किया गया है तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाल ही में अभिषेक कुमार को वेनेजुएला के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है और ये जो अभिषेक कुमार हैं ये दो हज़ार तीन बाज के आई ऑफिसर हैं ये राजीव कुमार की जगह लेंगे यानी की राजीव कुमार नपल इससे पहले थे इनकी जगह लेंगे और राजीव कुमार नपल का भी हाल ही में जो है वो देहांत भी हो गया है अब यहाँ पे क्वेश्चन में बात हुई है वेनेजुएला की तो देखिए वेनेजुएला की कैपिटल जो है वो कराकस है यहाँ पर करेंसी चलती है वेनेजुएला वोलीवर पेट्रो प्रेजिडेंट का नाम है यहाँ के निकोलस मदुरो निकोलस मदुरो यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है तो इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप उन्हें भी ध्यान रखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या है किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है तो उच्चायुक्त की बात हो इसका मतलब जो युगांडा देश है ये कभी ना कभी अंग्रेजों के अधीन रहा था और इसका आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है ए अजय कुमार ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है युगांडा जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे निर्धन देश है मतलब यहाँ की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा निर्धन है जो गरीबी रेखा है यहाँ की एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा से भी नीचे आती है तो युगांडा अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवन क्वेश्चन क्या है बजाज ऑटो की दोबारा एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं अब तो बजाज ऑटो के अभी नए एमडी और सीईओ बने दोबारा बनी हैं इनका नाम अगर बात करें तो इनका नाम है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है राजीव बजाज बनी है सेवन क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है बजाज ऑटो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी ट्वेंटी नाइन नवम्बर उन्नीस सौ पैंतालीस को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वाटर जो है वो पुणे में है तो अभी ये जो एम और ओ सी ओ बने ये पहले भी बने थे अभी दोबारा बनी हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट्थ क्वेश्चन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी रविंद्र सिंह ढिल्लन जो है वो अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी के नए सीएमडी बने हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी जुलाई 1986 में और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में तो ये सब स्थापना भी अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है वरना ये तो याद रखना है आपको कि नियुक्तियाँ किस किस की कब कब हुई थी नाइन क्वेश्चन देखिए क्या है भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवाशीष पांडा को हाल ही में नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊँ भारतीय रिजर्व बैंक के नए निदेशक जो केंद्रीय बोर्ड होता है उसमें चार सदस्य नियुक्त किए जाते हैं दो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं हमारी भारत सरकार के द्वारा और दो सदस्यों को नामित किया जाता है आर के द्वारा तो आर ने अभी दो सदस्य एक का नाम अतनु कुमार है अतनु कुमार भी इसमें आते हैं और दूसरा नाम देवाशी पांडा है लेकिन अभी हाल ही में देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया अतनु कुमार पहले से नियुक्त किए गए थे आरबीआई के द्वारा लास्ट मंथ तो हाल ही वाले पूछे जाएंगे तो देवाशीष और अगर पूछे कि कौन से दो सदस्य आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए गए तो आप दोनों का नाम ध्यान रखें देवाशीष पांडा का भी और अतनु कुमार का भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है अजय भूषण पांडे को हाल ही में फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है ये नाइनटीन बैच के महाराष्ट्र कैडर के आई ऑफिसर हैं अगर बात करें इन्होंने किन रिप्लेस किया मतलब इन्होंने किन जगह ली है तो इन्होंने राजीव कुमार की का ली है और ये अब हाल में बन गए हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन में देखिए क्या है हाल ही में नोकिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेक्का लून मार्ग को नोकिया ने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है नोकिया अगर बात करें तो नोकिया जो है ये एक फिन ये कंपनी कहाँ की है फिनलैंड की है ये आप ध्यान रखें कि नोकिया फिनलैंड की कंपनी है और आलिया भट्ट जो है वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं पेक्का लून जो मार्ग है इन्होंने राजीव सूरी को रिप्लेस किया है क्वेश्चन देखिए हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं तो अभी हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने प्रशांत कुमार ऑप्शन ए सही आंसर है यस बैंक की बात करते हैं तो यस बैंक की स्थापना जो हुई थी ये 2004 में हुई थी इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और इसकी टैगलाइन ध्यान रख के बैंक्स की देखिए टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है जो बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो ये ध्यान रखें इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज ये इसकी टैगलाइन है यस yes, बैंक की और स्थापना इसकी 2004 में हुई थी हेड इसका मुंबई में है प्रशांत कुमार इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, Next question है एम एम टी सी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है तो थर्टीन क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुधांशु पांडे को बनाया गया है अभी नया प्रबंध निर्देशक अब एम एम टी सी की बात हुई है तो एम एम टी सी के फुल फॉर्म है मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन सिक्सटी थ्री में इसका हेडक्वाटर है नई दिल्ली में 14 क्वेश्चन देखिए क्या है वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है तो 14 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी समीर अग्रवाल को वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी के रूप में चुना गया है फिफ्टीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हाल ही में बी चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन डी यानी सुनील जोशी इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन्हें अभी बी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है बी की आई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है बीसीसीआई का हेड क्वार्टर सिक्सटीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी सी मुर्मू के सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है देखिए हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है वो है वशीर अहमद खान ऑप्शन ए सही है लेकिन अगर आपसे सारे सलाहकार पूछे तो ये तीनों सलाहकार ये जीसी मुर्मू के ही हैं राजीव राय भटनाकर भी और फारूक खान भी और के के शर्मा भी चारों ये सलाहकार ही हैं अगर बात करें बसीर अहमद खान ये तो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं फारूक खान और के के शर्मा को 2019 में नियुक्त किया गया था और राजीव राय भटनागर जो है अभी लास्ट मंथ नियुक्त हुए थे तो अगर आपसे क्वेश्चन में हाल ही वाले पूछे जाएंगे यानी सबसे अभी न्यू जो नए अपॉइंट किए हैं वो वसीर अहमद खान है बाकी टोटल आप चारों के चारों इसके नाम जो है वो ध्यान रखें अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है तो सेवनटींथ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए रंजन गोगोई को अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में बारह सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं अगला हमारे पास एटीन क्वेश्चन है किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो ये हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने लिए चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल की एक खास बात यह है कि भोपाल में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक है यहाँ के गवर्नर का नाम है लालजी दास टंडन मध्य प्रदेश के नेक्स्ट हमारे पास नाइनटीन क्वेश्चन है हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो इराक के प्रधानमंत्री बने हैं अदनान जुल्फी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है इराक की बात करें तो इराक की कैपिटल है बगदाद और इराक में जो करेंसी चलती है वो चलती है इराकी दिनार यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है बरहम साले तो यहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं वो अदनान जुल्फी बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी क्वेश्चन किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फ़ोर्स में शामिल किया गया है तो ये भारतीय हैं लेकिन अमेरिका में रहती हैं तो इन्हें अभी हाल ही में कोरोना वायरस जो टास्क फोर्स है अमेरिका की उसमें शामिल किया गया है इसका आंसर है सीमा वर्मा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है ट्वेंटी क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन में है हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो अभी हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद딘 यासीन ऑप्शन ए सही आंसर है मली मलेशिया की बात है तो मलेशिया की राजधानी है कुआला लंपुर मलेशिया में जो अगर बात करें तो मलेशिया में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है यानी वी डब्ल्यू एफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है भारत और मलेशिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम भी ध्यान रखना हरिमो शक्ति उसका नाम है और इसका ऑप्शन ए सही आंसर है ट्वेंटी टू क्वेश्चन में है भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बनी है तो इस क्वेश्चन का आंसर है संजय कोठारी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है संजय कोठारी जो है वो अभी भारत के हाल ही में नए सतर्कता आयुक्त बनी हैं ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा की नई एम और सीईओ कौन बनी है तो ये बनी है ऑप्शन डी सही आंसर है संजीव चड्ढा जो है वो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एम और सीईओ बने हैं देखिए एमडी को हिंदी में कहते हैं प्रबंध निर्देशक और सीईओ को कहा जाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो हाल ही में बनी है और इसका जो पीएनबी है यानी बैंक सॉरी बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा इसका हेडक्वार्टर जो है वो वडोदरा गुजरात में है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में नेपाल में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है राजदूत यानी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन श्रृंगला को अभी हाल ही में नेपाल का अगला राजदूत बनाया गया है नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू नेपाल में जो करेंसी चलती है वो रुपया ही चलती है और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी ये नेपाल की प्रेसिडेंट है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वीडियो का भाई कौन सी नियुक्ति है हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजय पटेल को हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया है अगर ये पूछा जाए कि अखिल भारतीय शतरंज की जगह आपसे तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो उसका आंसर जो होगा वो होगा अर्जुन मुद्रा ये जो बनी है ये तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बनी है और शतरंज संघ के अध्यक्ष जो बनी है वो अजय पटेल बनी है तो जितनी भी टॉप अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसके टॉप एम हमने कर ली हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए तो ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू